नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल वो भी हिंदी भाषा में। आज हम देखेंगे मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल का यूज कैसे करना है। मैजिक वन टूल जब कहीं भी बैकग्राउंड में कोई एक ही कलर है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे वाइट कलर है, तो अगर इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो इसी से हम क्लिक कर लेंगे तो ये उतना ले लेता है। सेम कलर का कोई भी बैकग्राउंड रहेगा तो मैजिक वन टूल सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे तो उतना पूरा पार्ट सेलेक्ट हो जाता है। अभी इस पार्ट को हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं वो डिलीट हो गया है, लेकिन पीछे का इमेज इससे दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे का इमेज मैंने बंद किया तो दिख रहा है कि इमेज डिलीट हो गया है। तो दोस्तों, मैजिक वन टूल का यूज इसी तरह होता है। जैसे हेयर को सेलेक्ट करना है तो सेम कलर जहाँ जहाँ पे मिलेगा उतने को सेलेक्ट कर लेगा दोस्तों। और सभी बाल को हेयर को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करते जाएंगे हम। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पे आगे तक चला जाता है। तो सावधानी पूर्वक इसको सिलेक्ट करते हैं। एक ही कलर का कोई भी बैकग्राउंड रहेगा तो उसको रिमूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके। तो मैजिक वन टूल इसका नाम है। इसका यूज ऐसे ही करते हैं मैजिक की तरह, सिंगल कलर को एक झटके में रिमूव कर देते हैं बहुत कम समय में। जैसे यहाँ का कलर देख रहे हो आप, एक बार क्लिक करने पे सिलेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह हम मैजिक वन टूल का यूज करके किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का जो सिंगल कलर एक जैसा रहेगा उसको भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम न्यू वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।